आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी का ये मामला है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से जमानत दरख्वास्त मुस्तरद होने पर पेशावर हाईकोर्ट से इरादारी जमानत ले ली जाएगी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी का ये मामला है, जिसमें इस्लामाबाद की मकामी अदालत से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत ली जाएगी। वज़ीरे आला की जानिब से ये फैसला किया गया है, इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सैफ। यकीनन ये जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई थी, इस हवाले से वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उन्होंने रजू करने का फैसला किया है। तो उनका ये कहना है कि मकामी अदालत से जमानत दरख्वास्त मुस्तरद होने पर पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत की जाएगी। उसके साथ साथ मैं ये बात बताते चलो, असलहा शराब बरामदी केस में वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, तो इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीरे आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है, तो इससे मुतालिक यह फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफ शेरानी।